नमस्कार, मैं हूं यश कुमार। आज जो दौर चल रहा है उसमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना, क्योंकि तबीयत खराब हो जाने के बाद अस्पताल में कितनी सुविधाएं हैं वो आप सबको भी पता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम अस्पताल तक ना पहुंचे। तो आज के हालात को देखते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह शाम दो बार काढ़ा पीना। तो चलिए, मैं रोज दो बार काढ़ा पीता हूँ, किस तरीके से बनाता हूँ आप सबको बताता हूँ। आइए। काढ़ा बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आप जान लीजिए। अदरक, लौंग, अजवाइन, तुलसी जी का पत्ता है, काला नमक है, शहद है और काली मिर्च है। काली मिर्च लोगों के पास खड़ी हो तो आप लोग उसे कूट लें, और खड़ी ना हो अगर काली मिर्च तो आप लोग पिसी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जितना पानी डालना है, जितने लोग पीने वाले हैं उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। पानी आपका गर्म हो रहा है, पानी में ये देखिए, ये लौंग है, लौंग आप ले सकते हैं 5-7-8, जैसे मैं यहां पे कुछ 7 लौंग ले रहा हूं। इसका जो ऊपर ये फूल होता है, इस फूल को आप निकाल दें। ये 7 लौंग, इसमें आप अदरक भी ले लीजिए। अदरक को आप अपने स्वाद के अनुसार अदरक को ले लीजिए, अच्छी मात्रा में अदरक भी होना चाहिए। मैंने पहले अदरक और लौंग को ले लिया है इस कूटने के लिए। उसके पहले आप अजवाइन है, अजवाइन को पानी में डाल दीजिए। ये मैंने अजवाइन को पानी में डाला और अदरक और ये पूरे देसी अंदाज में, जैसे गांव में क्या होता है कि सील लोड़ा होता है, सील लोड़ा नहीं होता है तो किचन में औरतें जो हैं बेलन से चीजों को कूच लेती हैं, तो मैं भी आज बेलन ही यूज करूंगा। ये मैंने अदरक और लौंग को कूच लिया, ये मैंने अदरक और लौंग को अच्छी तरीके से कूच लिया है। अभी से मैं अजवाइन के साथ पानी में डालता हूं। अब देखिए, मेरे पास तुलसी जी का पत्ता है। तुलसी जी का पत्ता हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तुलसी जी का पत्ता आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपको हमेशा स्वस्थ रखता है। हमने तुलसी जी को ऐसे ही माता नहीं कहा है, तुलसी माँ मानते हैं। तो तुलसी जी के इन पत्तों को आप थोड़ा सा तोड़ करके, मैंने 10 से 12 पत्ते लिए हुए हैं, आप इसको गर्म पानी में डाल दीजिए। ये अब ये पक रहा है। अच्छा, अब इसके साथ आप स्वाद नहीं कह सकते हैं, मीन्स काली मिर्च है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और काढ़ा में डालना ही चाहिए। इसको आप 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट आधा चम्मच। तो ये आधा चम्मच काली मिर्च है, इसको भी आपने डाल दिया। और अब हम एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं पर मैं कहूंगा कि आप सब इसे जरूर डालें, जिसका नाम है काला नमक। काला नमक हमारे पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखता है और हर प्रॉब्लम, हर बीमारी की शुरुआत कहीं ना कहीं पेट से होती है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप अपने नित्य एवरीडे जो हम खाना खाते हैं उसमें भी हम काले नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक बहुत अच्छा होता है। काला नमक जो है ये आपके शरीर में गैस नहीं बनने देता है, इसे लेकर के।
और आप डाल दीजिए काढ़ा में, आपको कितना स्वाद चाहिए उसके अनुसार। ये तो 15-20 मिनट पकाने के बाद मेरा काढ़ा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। वाह, बहुत ही प्यारी खुशबू है। सो मैं इसमें पहले एक चम्मच शहद लूंगा। शहद की अपनी कोई गुणवत्ता नहीं होती है, पर ये जिस चीज में मिलता है उसका गुण बढ़ा देता है। तो मैं शहद के साथ लेता हूं, और आप सब चाहें तो ले सकते हैं, जिसे शुगर की प्रॉब्लम होगी वो ना ले। सो देखे, ये काढ़ा रेडी है। वाओ, सो दोस्तों, मैं काढ़ा बना चुका हूं, काढ़ा पी रहा हूं, और आप सबसे भी कहता हूं कि आप सब काढ़ा दिन में एटलीस्ट 2 बार जरूर पिए, क्योंकि जो वक्त चल रहा है इस वक्त में अपना और अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि मैं जो हर दिन करता हूं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है, आप लोग भी इसे करेंगे और लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं आपका यश कुमार। आज का काढ़ा आप सभी दोस्तों के नाम। वाओ, प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।